आज है भागवत का सातवां और आखिरी दिन और अब चल पड़े हैं हम हवन के लिए। तो चलिए आप लोगों को भी ले चलते हैं, हम पूरा एक घंटे लेट है। अब हम पहुंच गए हैं हवन में, तो चलिए आपको दिखाते हैं हवन। जाने से पहले गुरुजी के कीर्तन सुन लीजिए। हमसे जैसी भी टूटी फूटी सेवा बनी हमने की हमसे हमारे परिवार से या हमारे गांव से गलती हो गई हो क्षमा करना। हम नादान हैं, प्रभु बलवान हैं, कृपालु हैं, हमारे सभी अपराध क्षमा करें। आप वृंदावन जाकर बांके बिहारी के चरणों में यही प्रार्थना करें, वो हमारे गांव परिवार नगर पर सदा कृपा बनाए रखें। और हम इसी प्रकार वर्ष में ठाकुर जी का गुणगान मिलकर कराते रहें। प्रभु हमें शक्ति दें, प्रभु हमें शक्ति दें। हम इज्जत के साथ आपको आग बजे सौंप रहे। वृंदावन बिहारी लाल जय। सभी माता पिता आशीर्वाद ले लो भागवत जी को। जय भागवत महारानी, हम पर कृपा बनाए रखें। और इसी प्रकार चलिए पंडाल में चलते जाओ, ठीक है ना। मैं कलशों को हाथ लगा दूंगा। चले यार बात
भाई सबको खूब खूब मेरी राधे राधे। गुरु जी से कोई गलती हुई हो तो क्षमा कर देना भाई, गुरु जी की अच्छी अच्छी बातों को याद रखना, और कोई कमी रह गई हो तो भैया गुरु जी को क्षमा करना। मैं भी इंसान हूँ, तुम भी इंसान हो, मैंने जो कुछ कहा है तुम्हारी समझ के लिए कहा, जो कुछ सुनाया तुम्हारी समझ के लिए सुनाया, जो कुछ किया तुम्हारे लिए, और जो हमेशा करता रहूंगा तुम्हारे लिए करता रहूंगा, संत हमेशा सबके लिए, ठीक है। तो हमेशा ऐसे ही गुणगान करते रहना, अपनी भक्ति छोड़ना मत, आनंद में रहना, वृंदावन आते रहना। सांवरे को दिल में बसा के तो देखो, दुनिया से मन को हटा के तो देखो, बड़ा ही दयालु है बांके बिहारी, एक बार वृंदावन आ गया। सबको मेरा वृंदावन के निमंत्रण, पास की कथाओं में आते जाते रहना, ठीक है। जहाँ भी कोई आसपास कथा हो तो उसमें आते जाते रहना आपको, और ठाकुर जी कृपा रहेगी आगामी उसमें शिव महापुराण बदियार के ग्राउंड में सुनाएंगे। अभी समय कह दिया बदियार में आपको शिव महापुराण, शिव महापुराण का गुणगान करेंगे, और बाकी जो भी मेरी रोहू आसपास की कथा होंगे उसमें एक आदमी के हाजिर लगाने जरूर आना, मैं ग्रुप में मैसेज डालता रहूँगा। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। सब सपोर्ट करना भी साथ में, जय श्री राधे, बोल महासुदेवा की जय, कोटि वाली मैया की जय, जय श्री राधे, जय श्री राधे, ठीक है जी, ठीक है, राधे राधे, राधे राधे। बाय बाय, देखा नहीं परसों का आपने, देखा मेरी यात्रा, वापसी यात्रा कलश की। तो ये थी हमारे गांव की भागवत कथा। तो कैसी लगी आपको ये भागवत कथा ज़रूर बताना, और मेरी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।